गोसी खुर्द प्रकल्प का पानी छोड़े जाने से सावली तहसील के अनेक गांवों में बाढ़ की स्थिति निर्माण हो गई है। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। शनिवार को गोसी खुर्द प्रकल्प से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा गया था और जिसकी वजह से वैनगंगा नदी में बाढ़ की स्थिति आ गई है और नदी नाले के किनारे रहने वाले गांव में पानी घुस गया है और बड़े पैमाने पर किसानों का इसमें नुकसान हुआ है और इस संबंध में प्रशासन द्वारा सावधानी बरतने का इशारा दिया गया है। गौरतलब है सावली तहसील में अनेक गांव वैनगंगा नदी के किनारे पर हैं और नदी को ही लगकर किसानों की जमीन है और वर्तमान में इन खेतों में धान कपास आदि फसलें लगाई गई हैं, मगर गोसी खुर्द प्रकल्प में बड़े पैमाने पर पानी जमा होने से अब उस पानी को छोड़ा गया है जिसके कारण आज यह स्थिति निर्माण हुई है और वहीं अनेक मार्ग भी प्रभावित हुए हैं तथा यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है। बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ है तथा नुकसान हुई फसलों का तलाठी तथा तहसीलदार ने मुआयना कर नुकसान भरपाई करें ऐसी मांग नुकसानग्रस्त किसान कर रहे हैं। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि प्रवीण गेडाम की रिपोर्ट। जिपगाव येथील नदीला नाल्याला पूर मोठा पूर आल्यामुळे या ठिकाणी नाल्या नदी लगतची जी शेती आहे ते पूर्णस्थ डुबलेली आहे आणि या ठिकाणी लागवड केलेले तूर सोयाबीन धान हे पूर्ण नुकसान झाले असून शासनाने याची त्वरित दखल घेऊन पंचनामे करण्यात येऊन त्वरित मदत देण्यात यावी। म्हणजे जास्त प्रमाणात शेती नदी काठे असल्यामुळे पुराचा पाणी सर्व धानामध्ये आणि पराठीमध्ये सुद्धा घुसलेला आहे आणि नुकसान बऱ्याच प्रमाणे झालेलं आहे। तरी शासनाचे तलाठी आलेले होते पण वरिष्ठ अधिकारी येऊन पाहणी करून येऊन नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी जिपगाववासी शेतकरी यांची मागणी आहे।